छतरपुर विधानसभा से तीसरी बार बीजेपी की विधायक बनी ललिता यादव ने अपनी जीत के लिए जनता का आभार प्रकट किया। आभार यात्रा में ललिता यादव ने कहा कि वे विकास के अधूरे पड़े कामों को शीघ्र पूरा कराएंगे। पूर्व मंत्री भाजपा विधायक ललिता यादव ने छतरपुर में आभार यात्रा निकाली। ये यात्रा मोटे के महावीर मंदिर से शुरू हुई और मुख्य सड़क पर होते हुए बीजेपी के छतरपुर विधानसभा कार्यालय पर समाप्त हुई। आभार यात्रा में जनसमुदाय शामिल हुआ और जगह जगह विधायक ललिता यादव का स्वागत किया। विधायक यादव ने कहा कि छतरपुर विधानसभा में 2018 के बाद जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा करवाया जाएगा। आभार यात्रा है और निश्चित ही छतरपुर की देवतुल्य जनता ने जिस विषम परिस्थितियों में मुझे आशीर्वाद दिया है तो निश्चित ही उन्हें हम उनका वंदन अभिनंदन करेंगे। और जो विश्वास भरोसा उन्हें किया है, जो विकास के वादे उन्हें किए हैं, उनको पूरे न करने का कर्तव्य हमारा रहेगा। हमने छतरपुर विधानसभा की जनता से कहा था, आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, जब तक मैं जीऊंगी मैं और मेरा परिवार उनके सुख दुख में भी साथ रहेगा, उनका ऋणी रहेगा। आज मैं सबका आभार व्यक्त करने जा रही हूँ। तो निश्चित ही 5 साल में जो मैंने वादे किए हैं वो हम छतरपुर विधानसभा के देवतुल जनता का और अपनी विधानसभा का ख्याल रखेंगे। सर्वप्रथम मुद्दे मैंने कहा कि जो अधूरे काम है, क्योंकि जब से मैं गई थी 2018 से एक भी काम नहीं हुए, तो जो भी अधूरे काम है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सड़कें हो या बिजली के काम हो, जो मूलभूत उन कामों को मैं प्राथमिकता से पूरा करूंगी। और साथ ही नगर निगम की घोषणा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान करके गए थे, उनको भी मैं पूरा करूंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, छतरपुर की देवतुल्य लोगों ने मुझे विधायक बना के भेजा है, तो विकास और सेवा मेरा काम है। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब मुझे जो काम सौंपा है उसको मैंने अच्छी तरह से निर्वहन किया है। भारतीय जनता पार्टी जो काम सौंपेगी उसको पूरा करूंगी। सबसे पहला काम मेरा छतरपुर विधानसभा में विकास का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।